सरकार बीजेपी आनी चाहिए। नहीं, ये चोर है पूरे, कोई भी महंगाई नहीं है, कुछ भी महंगाई नहीं है। आने वाली 10 तारीख को इन सब बातों का बदला लिया जाएगा। बीजेपी तो हार की तरफ ना करा क्या, जब भी बीजेपी आई बीजेपी से तो लोग बिल्कुल बरगलाए पड़े हैं। शासन काल एक कानूनी स्तर पे बहुत बढ़िया रहा। नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं जनहित टाइम। आज हम पहुंचे हैं मेरठ के एक ऐसे गांव में जिसको जाट बहुल्य गांव कहा जाता है। इस वक्त मैं मेरठ के गून काजमाबाद गांव में मौजूद हूँ और यहां पर तमाम जो ग्रामीण है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे बात करेंगे और जानते हैं कि यहाँ का माहौल क्या चल रहा है। जी, शुरुआत आपसे करते हैं, क्या नाम है आपका? डीके शर्मा। डीके शर्मा जी, क्या माहौल है यहाँ? मैंने 1982 में एमए इंग्लिश किया है और मैं नौकरी करता हूँ शुगर मिल मौजूद में। 5000 रुपये मात्र मिलते हैं। मैं भी इस गांव का मेंबर, मैं भी जी रहा हूँ इस गांव में और मेरी उम्र 62 हो चुकी है। ठीक है, अब लोग बिजली की समस्या करेंगे, बिजली महंगी हो रही है। क्या महंगी है? मेरे लिए मेरा बिल जो एक महीने का 150 रुपये कुल, क्या मैं नहीं रह रहा इस गांव में? लोग क्यों खर्च करते जा रहे? अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सी सरकार सबसे बढ़िया? सरकार बीजेपी आनी चाहिए, कायदे में वही संभाल पाएगी ना? कोई नहीं संभाल पाएगी दुनिया में, देख लेते। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सरकार को लेकर आप बढ़िया बता रहे हैं, अखिलेश सरकार में क्या बुराई है? नहीं, वो भी ठीक है, परंतु नहीं जिसमें बीजेपी सरकार व्यापारी के वर्ग संभाल पाएगी, ना कि किसान संभाल पाएगा। और बीएसपी पार्टी? अब ये कहने का कुछ सारा लग रहा है, इन्होंने डंडी कहाँ कहाँ हमारी 30 दिन का महीना, 28 दिन का इनकम की ओर और लगने लगे पैसे। इन्होंने बता डंडी कहाँ मारे, खाद के उसमें डंडी मार दी, हाथ में 5 किलो निकाल लिया, इन्होंने डंडी मारी है। ये चोर है पूरे। और माँ माँ मोदी माँ बांग्लादेश में कहता मैंने बांग्लादेश आजाद करवाया, जो करवाया इंदिरा ने, और ये लुगेरा मैंने बांग्लादेश आजाद करवाया। ये झूठ पार्टी है पूरी, झूठ पार्टी, झूठ पार्टी है पूरी। हाँ, बात कर लेते हैं। ये मोदी होगी, ये खेतों में घूम रहे, ये नाश कर रहे हैं। इनके सवाल जवाब क्या दे सकते हैं? ये कह रहे हैं कि जो खाद का कट्टा 50 किलो का आता था 45 का हो गया। कौन तोला? इन्होंने जितना जो वेट आता होगा उतना तो होगा। कौन कहता है 50 आया? पहले से पहले से 50 आया कितना? 50 भी आता हो तो आता होगा। डंडी तो मारी है। आप खेती करते हैं? नहीं, खेती नहीं करता। ये सभी खेती वाले हैं तो जो भी है ये लगातार इनका ये कहना है कि देखिए महंगाई हुई है, लगातार महंगाई हुई है। अब महंगाई को लेकर कुछ तो कहेंगे। हम बता दें आपसे बात, कोई भी महंगाई नहीं है, कुछ भी महंगाई नहीं है। बच्चे क्या करते हैं आपके? मेरे बच्चे अपना मजदूरी करते हैं, अपनी चाट बेचता हूं। मैं सैनी फास्ट फूड का ठेला लगाता हूं, चाउमीन बर्गर बेचता हूं, एक चाउमीन बर्गर बेचता हूं मैं ठेला लगा के रोड पर गए, लेकिन मुझे कोई महंगाई नहीं है। बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? मेरे बच्चे 26 साल का है। कुछ भी महंगाई नहीं है, महंगाई तो हम कर रहे हैं, हम तुम कर रहे हैं महंगाई। भैया कोई महंगाई नहीं है। महंगाई हो रही है बताइए, महंगाई कहाँ है? महंगाई कहाँ है ये बताइए। आप क्या करते हैं? सिलाई का काम कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। अच्छा, बच्चे आपके भी हैं? हाँ, बच्चे हैं। कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं? प्राइवेट में पढ़ा रहा हूँ, एक दो सरकारी में पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक दो बच्चे सरकारी में, एक दो प्राइवेट में। सौतेला व्यवहार क्यों? क्यों भैया? जो छोटे हैं भैया, छोटे हैं वो पढ़ाई। मेरा नाम दीपक है। दीपक भाई, क्या माहौल चल रहा है यहाँ गांव का? बड़ा अजीब लग रहा है, आरएनडी भी लग रहा है, बीजेपी भी लग रहा है। माहौल की बात यह है, जो अनभक्त है उनके तो मोदी ने चश्मे चढ़ा रखे हरे, तो चारों तरफ हरा हरा दिख रहा। अभी आएंगे आप पे आएंगे, आप करो, आप करो, आप करो, आप करो, उत्तर प्रदेश भी आप पे भी आएंगे। आना नहीं है आ रही बहन जी, तो हाँ यहाँ के माहौल सही बात है। यहाँ के माहौल की तो बात यह है कि अगर काले कानून वापस ना होते तो सबसे ज्यादा कमर मजदूर की टूटती। हम मजदूर समाज से ताल्लुक रखे, जाटो समाज से हैं, गरीब आदमी हैं, तो ये तो मोदी जी से किसान लड़े, हमारे गांव के भी सब लोग वहां गए जब वो झुकने का काम किया। और अभी वहां आए योगी जी कैराना और शामली में, वहां कह रहे कि मई जून के महीने में गर्मी निकाल दूंगा। ये तो वो कौम है, इनसे तो ये तो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके योगी तो है क्या? किसान समाज, जाट समाज तो वो कौम है जो अंग्रेजों से भी नहीं डरे।
योगी जी ने धमकाने का काम कर रहे हैं। आने वाली 10 तारीख को इन सब बातों का बदला लिया जाएगा। हैंडपंप का बटन दबाने का काम आएगी आपके सामने। अभी आ रहे हैं, अभी सबसे बात करेंगे। नाम कमल है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पांच सभा शिवाल खास विधानसभा ने सभा में नन्हे प्रधान जी को बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, टिकट दिया है। शिवाल खास से भारी मतों से उनकी विजय हो रही है। मोमडन पक्ष जो है वो नन्हे प्रधान जी को पसंद कर रहा है। हमारे 54,000 से 55,000 वोट है दलितों की, वो 54,000 से 55,000 वोट सारी नन्हे प्रधान जी को जा रही है। और सिवाल खास विधानसभा में भारी मतों से नन्हे प्रधान जी विजय हो रहे हैं। जी ने देखो अगर वो आते हैं काम क्या करेंगे? काम जैसे जो कानून जो उत्पीड़न हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है, 5 साल में उन्होंने सहा है, 10 साल में 2012 के बाद में जैसा सख्त कानून उनकी सरकार में रहा था वो कानून बिल्कुल उतनी सख्ताई से रहेगा बहन जी की सरकार में। और बहन जी ने ये भी कहा था कि भाई अगर उस मूर्ति का जो हमने बनाई थी, मूर्तियों का मुद्दा है वो खत्म है, सिर्फ और सिर्फ विकास किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, विकास की तरफ। पिछली बार जब चुनाव हुए थे सिर्फ 19 सीट आई थी, इस बार कितनी आएंगी फिर बहन जी की? अब की बार 300+ सीट आएंगी। अब की बार तो 3 ही आएंगी। बीजेपी तो हार की तरफ है। बीजेपी से तो लोग बिल्कुल नहीं, बीजेपी से तो लोग बिल्कुल बरगलाए पड़े हैं, परेशान हैं। मुस्लिम समाज ने जिंदगी में करा क्या? जिंदगी में बीजेपी ने करा क्या? जब भी बीजेपी आई सन उसमें आई क्या नाम, शुरू में जनता पार्टी आई, देश का सोना गिरवी रखा सबसे पहले, दोबारा अटल बिहारी की सरकार आई तो देश का सोना रखा। आप बताइए, ये तो कह रहे गरीब नहीं है, महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, इसको क्या महंगाई नहीं है? महंगाई तो गरीब इन किसानों का है, 10 बीघे जमीन इनको महंगाई लगती है, हमें कोई महंगाई नहीं है। इनको महंगाई है, इनका गन्ना 1000 रुपए क्विंटल हो जाए, इनको जब अच्छा लगता है तो करो। अगले साल बढ़िया लग रहे हैं, अगले साल की बात नहीं है। महंगाई देख रहे हो, तेल देख रहे हो, कड़वा तेल, सिलेंडर देख रहे हो, बहन जी मजदूर आदमी, सुनो यही चीज है, चलिए आप बताइए भैया, रिफाइंड मिल जाएगा। बहन जी ने जिन जिन लोगों को नेता बना दिया वे विपक्ष पार्टी में चले गए। आज बहन जी की जो है घृणा करते हैं, बहन जी को बुरा बोलते हैं, लेकिन बहन जी का शासन ऐसा रहा उत्तर प्रदेश में आज तक किसी का शासन नहीं रहा। चलिए बहन जी ने मायावती शासन काल एक कानूनी स्तर पे बहुत बढ़िया रहा, लेकिन उतनी ही खामियां भी उस शासन काल में रही हैं। क्या क्या खामियां लगी? बहुत सारी खामियां थी। एक सबसे पहला एजेंडा था STSC का, जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जिस कारण से मायावती सरकार में सबसे ज्यादा निचले स्तर पे गई। अच्छा आप बताइए, 70 साल देश ना आजाद हुए होंगे थे बहन जी के शासन काल में, जब SC ST OBC वाले उत्पीड़न सह रहे थे, अगर 5 साल बहन जी ने संविधान के अकॉर्डिंग उनकी कलम में बाबा साहब की कलम के द्वारा ताकत देती थी कि तुम उत्पीड़न सहते हो, उस उत्पीड़न के कारण तुम जाकर के थाने चौकी कप्तान साहब के तहरीर दो, उस पर अगर कार्रवाई होती थी तो ये लोग कहते हैं उत्पीड़न साहब। अच्छा, ऐसा नहीं, इनका कहना उत्पीड़न दलित की लड़की मरिया रात को भूख उठा रहे हैं। अभी बात कर रहा हूं, अभी रात उठाया भूखे किसानों में गाड़ी चढ़ा दे। मनीषा वाल्मीकि जो दलित समाज की लड़की थी, इस बीजेपी सरकार ने उसके साथ बलात्कार करा, जो उनके लोग थे उन्होंने, बीजेपी सरकार ने उसे रात को अंतिम संस्कार करने का काम करा। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी वहाँ गए, बीजेपी सरकार ने हमारे नेता पे लाठी चलाने का काम करा, उस चीज का बदला, ये सब लोग खड़े हैं उस चीज का बदला लेने का काम करेंगे आने वाली 10 किसानों पे गाड़ी चढ़ा रहे, किसानों ने गूंज रहे, रैली पे गाड़ी चढ़ा रहे बीजेपी वाले आदमी, योगी मोदी चढ़वा रहे गाड़ी, किसानों ने मार गए का जो माहौल है, रोजगार खत्म कर दिया, युवा सड़क घूम रहा है। अच्छा आपका गांव वाले कह रहे हैं ना ठेला लगाएंगे, मोदी ने बैंक दे दिया, इसके तौर पर मोदी ने बैंक दे दिया, तुम ले रहे सर्वजन सर्वजन
जितेंद्र गौतम जनहित।